की जरूरत होती है, अगर उससे कम होगा दोस्तों तो रोटी जो है कड़क निकलेगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो टेम्परेचर हमारा जो है नान रोटी लगाने का 450 डिग्री हो चुका है, तो अभी इसे 450 डिग्री हमें तो नहीं, तो इसे क्या करेंगे, हेलो दोस्तों कैसे हो सब लोग, उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। मैं हूं अब्दुल माले। आज जो है दोस्तों बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं, पूरा इंडियन का मास्टर चाइनीज का मास्टर भी पूछ रहे हैं कि सेफ तंदूर का अंदर कितना टेम्परेचर होना चाहिए। दोस्तों तंदूर का अंदर जो है कितना टेम्परेचर होना चाहिए वो जो है आज बताने वाले हैं दोस्तों। रेस्टोरेंट पे दो तंदूर होता है, क्यों होता है, एक पे कबाब सेकते हैं, एक पे जो है नान रोटी लगाते हैं, ठीक है ना। तो एक पे जो कबाब सेकते हैं उस पे जो है टेम्परेचर हमने कम रखते हैं, और जो नान रोटी लगाते हैं उस पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो है नान रोटी पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। अभी जो है दोस्तों टेम्परेचर हमारा जो है नान रोटी लगाने का टेम्परेचर जो है दोस्तों 450 डिग्री हो चुका है, तो अभी इसे 450 डिग्री हमें तो नहीं चाहिए, कम से कम 350 डिग्री होएगा तो हमारा जो है नान रोटी बहुत ही मस्त बनेगा। तो इसे क्या करेंगे, ये जल जाने के बाद में जो है इसे ढक देना होता है दोस्तों, ऐसे ढक देना होता है, ठीक है। नमक पानी मार के जो है ढक देंगे तो इसमें नान रोटी बहुत ही मस्त लगेगा। रेस्टोरेंट पे दो तंदूर होता है ना, तो और एक तंदूर इधर पे आने वाला है, या तो इधर साइड पे डालेंगे, आने के बाद ऑर्डर दे दिया है उसमें जो है चिकन रोस्ट करेंगे, इस पे जो है नान रोटी लगाएंगे। दो तंदूर जो है रहना ज़रूरी होता है रेस्टोरेंटों पे, क्योंकि एक तंदूर पे बिजी का टाइम में जो है दोस्तों चिकन सीख डाल देंगे, तो ऐसे दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसे आप सीख डाल दिए तो ऐसे आप सीख डाल देंगे, दो तीन सीख चार सीख डाल देंगे तो, अगर तंदूर चिकन डाल दिए या तो टिक्का कबाब वगैरह डाल दिए ना, उसका पानी पानी जो है निचोड़ के जो नीचे जाएगा ना दोस्तों, वो जो अंगारा है अंगारा बुझ जाता है, तो अंगारा बुझ जाने के बाद में रोटी नान आप लगाओगे तो रोटी नान कड़क हो जाता है। उसके लिए जो है क्या करते हैं, दो तंदूर रखते हैं और एक तंदूर में जो है स्लो फायर में चिकन डाल देते हैं, ढक्कन जो है लगा देते हैं, ढक्कन लगाने के बाद में वो आराम से पकता है, इधर पे जो है नान रोटी सॉफ्ट वाला बनता है। और अभी जो है ये फायर हो चुका है दोस्तों बहुत ज़्यादा, 350-360 डिग्री चाहिए। मालिक हो गए या तो मैनेजर हो गए पूछते हैं, सेफ आप बताइए कितना कितना कोयला डालना होता है नान लगाने वाला तंदूर पे। दोस्तों बता दें नान लगाने वाला तंदूर पे जो है सुबह 6 से 7 किलो डालना होता है, अगर सुबह 7 किलो डाले हैं तो शाम को 6 किलो डालें, सुबह 8 किलो डाले हैं तो शाम को 7 किलो डालें, इससे जो है काम चल जाएगा। बाकी जो रहेगा कबाब रोस्ट करने का तंदूर, उस पर आप सुबह अगर 6 किलो डाले हैं तो शाम को 5 किलो डालें तो काम बन जाएगा। या तो आप कुछ मेजर ले लें, इसी का जो है डेढ़ डालना है, ठीक है ना, फुल करके डेढ़ डाल देना है जो नान लगाने वाला तंदूर से। नया तंदूर पे ऐसा ही मेजर कर लेना होता है, खुद आइडिया लगा के कर लेना होता है, देख सकते हैं ना दोस्तों, इस फुल करके डेढ़ डाल देना है, फुल डालना है। ये नीचे क्यों रखे हैं, क्योंकि उसका जो कचरा वगैरह आएगा ना, हाँ जो कोयला का पाउच वगैरह आएगा उस पर रहेगा, बाकी टाइल्स पे गिरेगा नहीं। काला काला क्या है आप लोग पूछेंगे, तो पालक पेस्ट मारने के बाद में तंदूर का अंदर का मसाला होता है ना पालक पेस्ट, वो मारने के बाद में जो है दोस्तों कितना मस्त अच्छी तरीके से जो है वो जल चुका है। ऐसे ही फायर करना है, फायर करने के बाद में वो जल जाएगा, जल जाने के बाद में इसे सफाई करने का वीडियो तो हमारा चैनल में मौजूद है, आप लोग जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हम लिंक दे देंगे। तंदूर पे पालक का मसाला मारने का फ़ायदा और नुकसान, सफाई करते हैं वो वीडियो भी हमारा चैनल पे मौजूद है, आप लोग ज़रूर देखें। पालक का मसाला कैसे बनाएं और कैसे लगाएं तंदूरी भट्टी का अंदर, तंदूरी भट्टी का अंदर कितना कोयला डालना होता है, रेस्टोरेंट पे दो तंदूर क्यों चाहिए, नान लगाने के लिए कितना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, 350 टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, कम से कम 300 रखें, उसका अगर कम होगा तो नान रोटी जो है कड़क निकलेगा, अच्छा नहीं बनेगा। कबाब के लिए कम से कम 200-250 डिग्री रखें, नहीं तो कबाब आपका जो है अच्छा नहीं बनेगा। आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।